पूरा देश कोरोनार घेरारे अछि समस्तंको जणा अछि कि को गाइडलाइन को फॉलो करबाको अछि आ केमिति निजको कोरोना ठो बंचेबाको पडिबो एमिति बेले कोन हबो जेतेबेले बहुर हेइछबो वर्क फ्रॉम होम आ शासनक सहित सारा दिन घरे बन्द ही रहबाको पडिबो मा मुन्ना कांदो छि टिके देखि दियंतु ना गोटे मेल लेखु छि मु अर्जेंट पठेबाको पडिबो मते अरे अरे छुवाटा इत्ते जोरे कांदुची ता कांदो तते देखा जाउनी मेल लेखिबा जरूरी पड़ीगला तते अरे दी सेकंड जदी कोळो को नेय असिबो ताहले चुप हेई जिवो ना मु जदी एबे ऑफिस रे थांती ताहले अपन मुन्ना को कोळे उठेई थांते ना भाभी नियंत को मेबे ऑफिस रे अछि सासु एक कथा सुनिबा खणी तांका राग पित ऊपर चढ़ जाय ताहले तू भी बुझी जा सेठी जो कांथो देखा जाउची ना सेठी टंगाई छि मो फोटो एबे कह किए आउ केमिति देखिबो मुना को बहु कांथ आड़ को ध्यान दे देखे आउ कुहे हाय रे एमिति कोठी अछि मो भाग्य कोण कहिलो सब सुनी परुची मो एमिति कोनोसी कांथ बना हेनी जोथरे मु टंगा हेई जिबी बुझि परिलो बहु छुआ को काखेनी ताको चुप करेबा को लागि पड़े चुप होई जा पुओ चल मु तते टिके बाहर बुलेई आनुची बाहर को जिबा मना अछि जानी चुना सरकार लॉकडाउन करी चंती अरे हाँ एठी मरा जूम मीट रे मीटिंग चली छी पछो पड़े जदी छुआ कांदीबो ताहले भले लागी बनी आउ याको नै आपड़ ऊपर रूम को काहे के चली जाऊ नांती ऊपरे ऊपरे तो मो पुओ काम करू छी ताकू कोन मु डिस्टर्ब करबी ना कोन आउ हाँ छुआ को चुप करे चाटा बसाई दबो आउ काम काम मु केते बेले करबी सेतबळे ऊपर रूम रो स्वामी रो सोर सुभे अरे ठीक है आस्ते कथा हबो एमिति लागुची माछो बाजार रे बसछि मु अर्जेंट मीटिंग हेबार अछि किछि शब्द जेंति न होए देख मो पुअर मीटिंग आरंभ होबाकु जाउची मा मोर त चली छि छाडंतु आपन उठो कोन बे आशा करिवो बहु घर रे सब काम करे छुआ को खुआए पियाए सुआए खाइबा रांधिबा मझिरे मझिरे स्वामी का कथा सुनिबा जेमिति बहु लैपटॉप खोले सासुंकर सोर सुभे बहु एठी टिके आसी देखिलु मुन्ना चादर पूरा असना करि देलानी नियंतु बदले दियंतु चादर आउ प्लीज एबे अध घंटा कोनोसे काम कथा कहिबेनी मो ऑफिस रो काम करू छी बे तापरे बहु जेमिति निज लैपटॉप ऑन करे घरर मेन कबाट रो बेल बाजे अरे हीरोइन कबाटा टिके जाके खोली दे बहु सासुंक कथा सुनी कि भी न सुनिला भळी रही जाय लागुची कानरे पूरा तानपुरा को लगई देछि प्रथमे तो छुआ को कोळरे देई देला तापरे किछि काम करबाकु भी चाहुनी सासु चै कबाट खोलंती तो सामने रे ठिया हे थाय सौदा दुकानी जे बहुत सारा सौदा नै आसी थाय हां हां बाहर ही रखि दियो सब सौदा बहु अरे ए बहु अरे देखे सौदा आसी गलानी गोटे गोटे सौदा को भल्ल की धोई की रखी दे ता परे सैनिटाइज करी डब्बा रे भर्ती करी रखिबू आज्ञा मा मु एबे आसु छी बहु लैपटॉप बंद करे आ घर रे सौदा धोई धोई डब्बा रे भर्ती करी बारे लागि पड़े सेत बळे स्वामी आसी सेठी पहुंचंदे यार बाहरु सौदा वाला आस्तला सुनो तमे गोटे काम करो पूरा झरका कबाट सब सैनिटाइज कर दियो बहु बिचारी डेरी राति चाहे घर रो खाइबा पीबा आउ पूरा घर को सैनिटाइज करी गड़ीबा को जाउची कि नहीं सेत बळे मुना उठी जाए सुनो ना यार प्लीज छुआ को टिके उठे दियो मु बहुत थकी जाई छी अरे यार केमिति मैनेज करबी मु दिनो सारा ऑफिस काम करबी ना पुनी रात्रि आसी छुआ संभालबी हेले तुम्हें एक कथा बुझी ही पारुनो तुम्हें तो आराम रो जीवन बंचु छो ना किछि काम ना ऑफिस रो काम जानी छो घर टिके छुआ संभाली दउ छो बस आ जदी छुआ संभाली पारनो दे दउ ना माकू स्त्री को भी स्वामी का कथा सुनी खराब लागे उपाय मध्य किछ न थाए दिन सारा मशीन भले काम करे से बुझी जाए जे एबे ता द्वारा छुआ ओ संभाली होबनी ता पर दिन भी युद्ध करबा को पड़िबो बहु सासुं को पाख को जाए सेत बळे सासु घुंगुड़ी मारी सोई पड़ी थांते मा 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 टिके मुन्ना को धरंतु ना मो आखे बंद होई जाउची मो अनिद्रा हेई पारिबिनी आउ तो दिन बेला आपण केते सोई छंती बहुत अवस्था खराब हेई गलानी देशर कोन सब होउची किछि बुझी होउनी सरकारकर बुझीबा सब दरकार ना सरकार को हे बुझौ छंती देशर चिंता खाली आंकु हे नजर आसुची बहु विचार खटी खटी मल्लानी
हेले एसबु केही देखु नहंती। बहु गोड़ काची काची रूम रु चली आसे जोठी स्वामी सोई थांती। कौन बा करी थांता अधा रातरे जेते बळे छुआ सोई पड़े सेते बळे चाई बहु को निदा आसे। नेक्स्ट डे सकाळ सकाळ ता बॉस रे कॉल आस जाए। लक्ष्मी काली दिन सर तुम्हें किसी काम करनो डेटा भी तुम्हें सबमिट करनो देखो जदि तुम्हें एमिती काम करिवो तो अन्य किसी बाटो बाहर करिवो को हबो। अरे नहीं नहीं सर एमिती कहंतुनी एही चक्रीटा मते बहुत दरकार। जदि दरकार अछि काम करो काम जदि न करिवो ताले को कंपनी तुमको रखिवो कहिलो। बॉस का गाली सुनी रश्मि राखी जाए। सी भाभी जे घरर रंधा बड़ा सारी से सीधा सीधा निज को रूम रे बंद कर दबा आ सासु को कहि दबा कि से ऑफिस रे काम करू छे आ ठीक सेते बळे सासु रश्मि आजे मु भाबू छी जे घरर सब अलमीरा सफा करबी तू गोटे दिन आजे मुन्ना को धरे। हेले मा आजे तो ऑफिस रे बहुत गुडे काम अछि। हां हां से सब करि नबु के कोन मना कला तते मैनेज करबा सीखे बहु मैनेज आमे आमो समय रे सबु किछि मैनेज करूथिलु घर बाहर आख पाख बंधु बांधव तते त केवल छुआ को संभाली बार अछि ना सेति के करि पारुनु बहु भी कोन करि थांता। ठीक अछि मा कहि छुआ को कोळ रे उठे निए। हेले मास जिमिते आरंभ बाकु लागे बहु तो से सैलरी केबे आसिबो कार रो किस्ती टु नै घर रो लोन सबु भर्ती करिवार अछि एबे सोहन रो सैलरी रे तो पूरा घरटा चली परिबनी ना एथरो तो टंका आसिनी की मा मैनेज करि दियंतु ना मैनेज कारण एई मास रो सैलरी आ आसिबनी कारण मु तो काम किछ करिनी वर्क फ्रॉम होम नुह मु एई मास रे केवल वर्क फॉर होम ही करिछि। गोटे बहुत सुंदर ग्राम थिला रामगढ़ पर्यंत पहुँचा लोक मान नदी पार करने को पड़ुला। नदी में दुईटी डंगा थिला जहा कि लोक मान एपट घाट रु सेपट घाट को पार हेबारे साहाज्य करुथिला। सुंदर ग्राम रे हरिया नाम रे जड़े कृषक थिला। हरियार पत्नी गर्भवती थिला तथापि से सबुदिन हरिया पाई खेतो को खाइबा नै करि जाउथिला। केते थर तुमको कहिलिनी एते जीवा एसे कर नै बोली किंतु तमे मो कथा त जमा मानुन। मु तुम कथा सुनु छी किंतु मु किछि बाट चली गले पतळा जमा हे जिबिनी आ तुमको खाइबा को भी त दबक पड़िबो ना। दुई जण जाको सबु बेले सांग ही खाइबा खाउथिले जेमिति ही हरियार पत्नी मीरा दुईटी जाला छुआ जन्म करिथिला सेतेबेले ही तार पत्नीर मृत्यु होइ। मीरार त्रयोदश कर्मरे ग्रामर लोकमाने हरिया घर को आसिले। हरिया बहुत खराब हैला कि तो स्त्री ते कम बयसरे मृत्युवरण कला। हरिया एबे तुमर बयस बा केते एबे तुमको तुमर जाला झियो पई द्वितीय विवाह करिनबा उचित। नाही सरपंच बाबू मोर ए झियो माने ही मोर सबो किछि मो खाली सेमानक सहारा रे ही बंची जीवि। समय कड़ी चलिला एवं हरियार जाला झियो पड़ो हबाकु लागिले। एबे नैना ओ सुनैना दुहे दस वर्ष रो हेइ गलेनी। बाबा कहिथिलो ना आपण हमको पहरिबा सिखैबे। हां हां मोर मने अछि तो तमे हमको केबे पहरा सिखैबो। पिला माने खेतरे बहुत गुडे काम अछि मु तुमको ए रविवार दिन पहरा सिखैबी। रविवार पक्का ना? हां हां सतरे रविवार दिन हरिया नैना आ सुनैना को नै नदी को गला आ प्रथमे हरिया पानी भीतर को गला। एबे देखो आराम से तुम निजर हाथ ओ गोड़ को एमिति चलेइबो ध्यानर देखो। नैना आउ सुनैना दुई जण हरिया को ध्यानर पहरिबार लक्ष्य करूथिले। जाने ना एबे तू चेष्टा कर। नैना डोरी डोरी पहरिबा को चेष्टा कला। प्रथमे तो से जमारु पहरी ही पारु नथिले परे किंतु से धीरे धीरे एहाकु बुझी गला। एई भली पूर्ण सुनैना मध्य चेष्टा कला आउ बहुत जल्दी
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପହଁରା ଆସିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ନୈନା ଆଉ ସୁନୟନା ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ପହଁରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହରିଆ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ମତେ ନୈନା ଆଉ ସୁନୟନାର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ତାକୁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ କରିବ କ'ଣ? ମୁଁ ଦୁହିଙ୍କୁ ପାଖ ଗାଁରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ, ତମେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମ ଗାଁରେ ତ ଗୋଟିଏ ବି ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ତୋ ଗ୍ରାମର ପରମ୍ପରା ବିଗାଡ଼ୁଛୁ। କାଲିଠୁ ତ ସବୁ ଝିଅମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ କି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଘରେ ଆଉ କ୍ଷେତରେ କାମ କିଏ କରିବ? ଆପଣ ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମତେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ବହି କାଢ଼ିଲେ ଆଉ ହରିଆକୁ ନୈନା ଆଉ ସୁନୟନାର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାଲିକାଟି ଦେଲେ। ଏବେ ନୈନା ଆଉ ସୁନୟନା ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ନଦୀ ପାର ହେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ। ହରିଆ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଗୋଟାଏ ଦିନର ଘଟଣା, ନୈନା ଓ ସୁନୟନା ନଦୀ ପାର ହଉଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗାରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲେ। ଅଚାନକ ଡଙ୍ଗାଟି ତାର ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇ ବସିଲା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନୈନା ସୁନୟନା ଏହା ଦେଖି କିଛି ନ ଭାବି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ପହଁରି ପହଁରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ଛାତିକୁ ଦବେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନୈନା ଆଉ ସୁନୟନାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସାହସୀ ଅଛ। ହରିଆ ଠିକ କହୁଥିଲା କି ତମେ ଦୁହେଁ ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ପୁଅର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ବୋଲି। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ଯାହା ପୁଅମାନେ କରନ୍ତି।